हेलो फ्रेंड्स मोरिट्रोल अकेडमी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईकोलाई का एक्सपेरिमेंट ठीक है सो एक्सपेरिमेंट जो है हमारा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स ईकोलाई e के बारे में कि वो किस तरह से स्प्रेड आउट होता है हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स सो so, जो हमारा ईकोलाई e है बेसिकली हम इसका मोरफोलॉजिकलक्टर करेक्ट्रिस्टिक एंड बायोकेमिकल स्टडी एंड एसक्रिशिया कोलाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है फ्रेंड। जिसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है द मेन टाइप ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम्स काउज बा ई कोलाई आर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बेसिकली जो यूरिरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है यू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसमें इंक्लूड होता है एंड डायरिया भी हो सकता है ईकोलाई से ठीक है सेप्टीसीमिया एंड पायाजेनिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ईकोलाई सो फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई भी बोलते हैं ठीक है यू टी आई सो दार्ज मेजोरिटी ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन और कॉज बाई ईकोलाई एंड अदर कॉलीफॉर्म्स सो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है जो नेचुरली कॉज्ड होते हैं यूररी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए उसके लिए ई कोलाई रिस्पॉन्सिबल होता है और अदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सो ई कोलाई इज़ दी कॉमनेस्ट पैथोजन आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट विथ सिस्टिस सो क्या फ्रेंड्स ई कोलाई जो है बहुत ही कॉमन है जो हम यूरिनरी यूरिन के अंदर हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं सो इन वुमेन रिकरेंट इन्फेक्शन आर कॉमन सो बेसिकली क्या है जो वुमेन के अंदर है यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है ठीक है सो दी ई कोलाई सीरोप कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर दोज नॉर्मली फाउंड इन दिसज सो बेसिकली क्या है जो ई e. कोलाई है उसका जो सीरो टाइप है कॉल मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए और फेसेस के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ठीक है सो ये क्या होते हैं जब फेसेस के अंदर ई कोलाई इन्फेक्शन कॉज करता है तो क्या होता है उस केस में डायरिया हो जाता है ठीक है पेशेंट को डायरिया हो जाता है यूटीआई के अंदर यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है सो फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं डायरिया ठीक है सेकेंड नंबर हमारा डायरिया सो ई कोलाई इज इज नॉन पैथोजेनिक ऑफ दी एरोबिक बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ ह्यूमन इन टेस्टिंग ठीक है अगर जो ई कोलाई है वो बेसिकली नॉन पैथोजेनिक होता है पैथोजन कॉज नहीं करता ह्यूमन बॉडी के अंदर और ये एरोबिक बैक्टीरिया फ्लोरा है जो ह्यूमन के अंदर इन टेस्टिंग किया जाता है ठीक है सो बट दी फाइव ग्रुप्स ऑफ ई ईकोलाई सच एज एंटीरोपैथोजेनिक कोलाई एंटीरोक्सीजेनिक इकोलाई एंड इकोलाई ये हमारे तीन हो गए फोर्थ है हमारा हेमोरेजिक इकोलाई एंड फिफ्थ है हमारा एग्रीगेटिव इकोलाई सो कैन काजिस डायरिया इन फैंट्स चिल्ड्रन एंड एडल्ट सो बेसिकली क्या है जो हमारे ईक्लाई के फाइव चीन स्पीशीज जो होते हैं वो जो है हमारे वो कुछ इस तरीके से हैं जो क्या करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर इन्फेंट के अंदर एडल्ट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं ठीक है देन थर्ड है हमारा सेप्टिसीमिया सो इकोलाई एंड अदर कोलिफॉर्म आर दी कॉमनेस्ट कॉज फॉर सेप्टिसीमिया सो बेसिकली जो हमारा अदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं या इकोलाई e. है बहुत ही कॉमन है कॉज करने के लिए सेप्टिसीमिया ठीक है सो दी सिम्टम्स आर फीवर इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं फ्रेंड्स फीवर आ सकता है हाइपर टेंशन भी हो सकता है एंड डायसिमनेटेड इंट्रावर्स्कुलर कोएगुलेशन भी हो सकता है इस केस में अब फोर्थ है हमारा पायोजेनिक इन्फेक्शन तो अगर मैं पारजेनिक इन्फेक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर ई कोलाई इज अ कॉमन कॉजेज ऑफ मैनजाइटिस इन द न्यू बॉर्न न्यू बॉर्न के अंदर जो है ई कोलाई बहुत ही कॉमन है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए ठीक है सो इट इट मे कॉजेज वुड इन्फेक्शन दे एपिज दे ऑल्सो प्रीटोनिस्ट क्लोराइसिस्ट एक्सेट्रा सो so, आप फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो इन मेनन्जाइटिस है उस केस में किसका सैंपल लिया जाता है के केस में जब आप मैनजाइटिस का टेस्ट लगाते हैं उसमें आप लेते हैं सी सैंपल ठीक है सो ये बोवुंड इन्फेक्शन भी कॉज करता है ह्यूमन के अंदर अब हम इसमें स्पेसिमिन कौन कौन से लेते हैं फ्रेंड्स अगर आपको ई कोलाई आइसोलेट करना है उसको डिफाइन करना है बॉडी के अंदर आपको उसको लोकेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे आप कौन सा सैंपल लेंगे हुमेन के अंदर से जो आप आइसोलेट कर सके इकोलाई को सो स्पेसिमेन इज दी रिसीव इन दैबोरेटरी आर यूरिन यूरिन सैंपल लेंगे स्टूल सैंपल लेंगे जिसको हम फेसिस भी बोलते हैं वुंड स्वैब लेंगे ईयर स्वैब लेंगे ठीक है lenge, lenge, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है फ्रेंड्स हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कल्चर सस्पेंशन कल्चर का जो सस्पेंशन है वो रेडी करना जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रो करवाएंगे ठीक है एंड देन है हमारा आइसोलेशन मीडिया हमारा एक आइसोलेशन मीडिया होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है न्यूट्रेंट अगार होगा एंड मैकॉन की अगार एंड ईओसिन मिथिलिन ब्लू अगार ठीक है ये हमारे सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स है कोलाई e को ग्रो करवाने के लिए ठीक है बायोकेमिकल मीडिया अब बायोकेमिकल मीडिया कौन कौन से हमारे प्रेजेंट होने चाहिए इसमें आता हमारा ग्लूकोज फर्स्ट ग्रोथ है मोटिलिटी आगार है एंड हमारा है टीएसआई स्लांट है ट्रिप्टोन वाटर है हमारा सिमोन साइट्रेट अगार है एंड क्रिस्टेंसिस यूरिया मीडियम है नाइट्रेट ब्रोथ है फ्रेंड्स शुगर में जाइलोज है ग्लूकोज है मैनिटोल है सुक्रोज माल्टोज एक्सेट्रा प्रेजेंट है सो so, ये हमारे बायोकेमिकल मीडिया है ओके okay? अब हम रिएजेंट कौन कौन से लेंगे इसके अंदर रिएजेंट की बात करें तो इसमें हम ऑक्सीडेज रिएजेंट लेंगे हाइड्रोजन परऑक्सीडेज मिथिलिन रेड एंड वैक्स रिएजेंट लेंगे रिएजेंट लेंगे सल्फैनलिक एसिड लेंगे हम रिएजेंट लेंगे ओमेरा रिएजेंट लेंगे सो so, ये सारे रिएजेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे ठीक है लैब के अंदर एंड इसका प्रोसीजर अब स्टार्ट होता है फ्रेंड्स यहां से सो परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग ऑन दी गिवन कल्चर ऑर्गेनिजम्स तो हम क्या करेंगे जो गिवन कल्चर ऑर्गेनिजम्स है उससे हम क्या करेंगे ग्राम स्टेन परफॉर्म करेंगे ठीक है लैब के अंदर एंड देन फ्रेंड्स स्टडी मोटिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फिर स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी कितनी है ठीक है सो कीप इन द इनक्यूबेटर एट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर ट्वेंटी फोर आवर के लिए छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे हम जो ऑर्गेनिज्म हमारा आइसोलेट हुआ है जो उसकी मोटे मोटेलिटी देख रहे हैं हम उसको क्या करेंगे इनक्यूबेट करेंगे थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पे चौबीस घंटे के लिए ऑब्जर्व फॉर कॉलोनी करेक्टर्स फ्रॉम बोथ ऑफ द प्लेट जो हमारी प्लेट है न्यूटन अगार जो हमारा मकॉन की अगार है उसमें हम क्या करेंगे उसकी ग्रोथ को चेक करेंगे ईकोलाई e. की ग्रोथ को चेक करेंगे आफ्टर इनक्यूबेशन सो so, स्ट्रिक अ लो फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट अगार एंड मकॉन की अगार योसिन मिथिलिन ब्लू अगार सो so, स्ट्रिक मेथड आपको पता होगा लूप फुल हम कल्चर उठाएंगे वहां से ऑर्गेनिज्म उठाएंगे और उसको स्ट्रिक करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स उस पर हम कॉलोनीज चेक करेंगे कि किस तरह के कॉलोनीज है फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन्स यूज़ करेंगे हम ताकि हमें वो कलरफुल शो हो सो so फ्रेंड्स ये था हमारा ईकोलाई को डिफाइन करने के लिए हमारा जो बायोकेमिकल टेस्ट है वो है सो सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स सो अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच